For more videos, please subscribe. मेरा गांव। मेरे गांव का नाम कनकपुर है। मिट्टी के घर, खपरेलों की छतें, आंगन में बंधे हुए दो दो जोड़ी बैल, दो एक गाय भैंस जैसे दुधारू पशु और सामने लहलहाते हुए खेत, यही मेरे गांव का सौंदर्य है। हमारे गांव का अपना व्यक्तित्व और महत्व रहा है। गांव में चक्की के मधुर गीत से ही सवेरा आरंभ होता है। वृक्षों पर बैठे चहचहाते हुए पक्षी प्रभात बेला का स्वागत करते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ उठकर गांव का किसान खेत की ओर चल पड़ता है। ऐसा है सुंदर सपने सा सलोना मेरा गांव। गांव में सभी वर्णों के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। मेरे गांव के लोग बहुत उद्यमी और संतोषी हैं। गांव के लोगों की सभी जरूरतों की पूर्ति गांव के लोग ही विविध गृहोद्योग के माध्यम से करते हैं। गांव के लोग साधारण जीवन जीते हैं। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब के किनारे भगवान गणेश जी का एक सुंदर मंदिर है। सभी ग्रामवासी वहां भक्ति भाव से पूजा करते हैं। मेरे गांव में सभी त्योहार बड़ी खुशी के साथ एक साथ मनाए जाते हैं। मेरे गांव में एक स्कूल भी है जहां सब बच्चे पढ़ने जाते हैं। मेरे गांव में एक अस्पताल, डाकघर और बैंक भी है। मेरे गांव में बहुत सारे खुले मैदान भी है जहां बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और दौड़ लगाते हैं। गांव में हरियाली होने की वजह से प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। सुबह सुबह ताजगी और शुद्ध हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। हमारे गांव के ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ पर गेहूँ, मक्का, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल मुख्यतः बोई जाती है। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। मेरा गांव मेरे सारे देश का प्रतीक बने। सारा देश मेरे गांव के समान ही लहलह उठे, यही मेरी कामना और प्रयत्न है। हम सबको इसी ढंग से सोचना समझना चाहिए।